सवाल में दिया हुआ है कि कोई संख्या दी हुई है उसमें कितना, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें कितना जो है घटाएं हैं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये 600 है, तो इसको इसका पहले वर्गमूल निकालते हैं हम। वर्गमूल निकालने के लिए भाग में से जोड़ा बनाते हैं, तो 0 0 का एक जोड़ा होगा, 6 का एक जोड़ा हो जाएगा। अब कोई संख्या ऐसी लीजिए कि उसका पहाड़ा उतने ही बार पढ़े कि 6 से ज़्यादा ना हो, तो 2 × 2 = 4 हुआ। 6 में 4 घटाएंगे, 2 बचेगा, फिर 2 यहाँ रखेंगे, नीचे जोड़ेंगे, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अगला जोड़ा उतारेंगे, 600 हो गया, 200 हो गया। अब कितने बार आ जाएगा, यह संख्या अभी नहीं लिखी थी, तो इसको छोड़ देंगे, एक अंक छोड़ देंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 से ज़्यादा ना हो, तो 4 × 5 = 20 ज़्यादा हो जाएगा, गुणा करेंगे जब, इसलिए एक बार कम ले जाते हैं, 4 बार ले जाएंगे, तो 4 × 16 = 17, 200 में से 176 घटाएंगे, 24 बचेगा, यानी शेष 24 बच रहा है। 24 अगर न होता तो पूरा कट गया होता, तो 24 ज़्यादा है, इसलिए जो शेष बचता है उतना ही हम घटा देंगे, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, इसलिए वो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 6। तो अभी जो संख्या हमारी होगी वो 600 में से जो इसका शेष बचा है वो घटा देंगे, तो 600 − 24 बराबर हो जाएगा 576। 576 संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग होगी, और इसका अगर वर्गमूल निकाला जाए तो 24 आ जाएगा, 24 बार गया था। अब अगला सवाल है